लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। एक तरफ कांग्रेस जनता के बीच अपनी गहरी पैठ बना रही है तो दूसरी ओर संगठन को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या है पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में पार्टी संगठन में बदलाव किया है। पार्टी ने के सेल्वा पेरुंथागई को तमिलनाडु प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो एस अलागिरी की जगह लेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु में एस राजेश कुमार को पार्टी विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। ये नई नियुक्तियां आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हुई हैं। इधर कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है और इसलिए इसे केंद्र की सत्ता में वापस नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बेरोजगार युवाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा करने और सभी नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करने के अपने वादे का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के राज्य स्तरीय सम्मेलन में खड़गे ने कहा कि मोदी तानाशाह बनना चाहते हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मीडिया समेत पूरे शासन को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस को कर्नाटक में कम से कम 20 सीटें जीतने का भरोसा है। हमने कर्नाटक में अपने चुनाव घोषणा पत्र की सभी गारंटी पूरी की, लेकिन मोदी अपनी बात से मुकर गए। मोदी हमेशा व्यक्तिगत गारंटी पर जोर देते रहे हैं, जबकि कांग्रेस सामूहिक रूप से अपने वादों को पार्टी की गारंटी के रूप में पेश करती है। अपनी व्यक्तिगत छवि को बढ़ावा देने वाले मोदी के विपरीत कांग्रेस पार्टी की सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर देती है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस राज्य में लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 20 सीटें पाने की स्थिति में है। बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए जनता को उन पर अब भरोसा नहीं करना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।